क्या नाम है आपका? भागीरथ सिंह, राजपुरी थर्ड ब्लॉक। क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि यह नगर परिषद पालिका जो सभापति रेखा भाटी है और उसका पति भी पार्षद है राकेश भाटी, और एक जो ये आया आयुक्त कहीं बाहर से, क्या नाम है ब्रजेश राय। ये कहता है मैं तो राजस्थान सरकार के ऊपर का आदमी हूँ, मेरा सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक एक कोषाधिकारी है जो यहाँ नरेश चौधरी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरे आम आवाम को, पूरे प्रदेश को, देश की जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पाली नगर परिषद में भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी है। मृतक हनुमान सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले जिला प्रशासन को, एडीएम पाली, स्वयं कलेक्टर को 10 ज्ञापन अपने हस्ताक्षर से दिए हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए उधार ला करके ठेकेदार एसोसिएशन के मार्फत दिए, खुद ने भी दिए और पूरे ठेकेदार एसोसिएशन ने भी दिए। वो सारी बात पब्लिक डोमिनियन में, अखबार में है, विद फोटो है, भास्कर पत्रिका जो भी, नेशनल न्यूज चैनल, उस सब में ये बातें है। रोम जल रहा है पाली जिले का प्रशासन, बांसुरी बजा रहा है नीरो बनकर के। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हनुमान सिंह प्रकरण में आप भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अब कांग्रेस के नेता भी होंगे। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं भागीरथ सिंह जी, आप भी राज से, आपको पता है वास्तविकता ये है कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ, जमीनी हकीकत तो ये नहीं हुआ। और हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं, मृतक परिवार और मृतक के रिश्तेदार और कुटुंब से प्रशासन मिलना पसंद नहीं करता, इतने भ्रष्ट हो गए हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट नहीं करना चाहता है प्रशासन। अशोक जी गहलोत साहब को मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंचती है, और मैं उनका पुराना कार्यकर्ता रहा हुआ हूं, मैं उनके भीतर की इंसानियत से वाकिफ हूं, आप तक अगर मेरी आवाज जाती हो, तत्काल कलेक्टर पे और एसपी पाली को यहां तत्काल हटाओ, आयुक्त को और सस्पेंड करो, चेयरमैन को पद से हटाओ और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश करो। यही शासकीय आदेश होगा तो लोग मांगेंगे कि शासन चल रहा है, प्रदेश में कोई जनता की सरकार है। परिवार के मुख्य कितने मांगे हैं? परिवार की मुख्य मांगे 5 है। क्या मांगे हैं? मांग तो है कि तुरंत गिरफ्तारी, दूसरी मांग है तुरंत भुगतान, तीसरी मांग है जो पदों पर बैठ रहे हैं उनको निलंबित करो, ठीक है, परिवार को नौकरी दो और 5 करोड़ का मुआवजा दो। प्रशासन की वजह से मरा है। FIR के अंदर जो नामजद आरोपी है उनका क्या नाम है? एक का नाम तो है रेखा भाटी, जो सभापति है, उसका एक पति है जो पार्षद है राकेश भाटी, एक आयुक्त है वो ब्रजेश राय, एक सुरेश चौधरी लेखा अधिकारी, ये चारों नामजद है, नरेश चौधरी सॉरी, वो ये चारों नामजद अभियुक्त है और उनकी ड्यूटी है। ब्रजेश राय के काउंटर सिग्नेचर होते हैं, चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं, चेयरमैन का पति कमीशन की डिमांड करता है, पार्षद होते हुए आपने कहीं सुना है कि एक पोस्ट पे 2 आदमियों के नाम? मैं या आप या आपकी पत्नी दोनों एक पोस्ट पे रहेंगे क्या? है रेखा राकेश भाटी, मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है। पहले यहाँ एक चेयरमैन रही है, लेडी चेयरमैन थी कुसुम सोनी, उसके पति का नाम था रमेश, लगे हैं उन पे। मैं बताता हूँ आपको, चार्ज ये है कि ये व्यक्ति 2 करोड़ से अधिक का काम अपने घर के पैसे डाल करके नगर परिषद के विकास में खर्च कर दिए और ठेका के इसके जो टेंडर हुए उसका भुगतान नहीं कर रही है, और भुगतान नहीं कर रही है तो भरत बेटा जो FIR निंदा कहता है, मैं मेरे पिता के साथ 4-5 बार गया तो आयुक्त, कोषाधिकारी रेखा भाटी और राकेश भाटी 10% से अधिक कमीशन मांग रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं मेरे पिता के सामने गया, इन्होंने दबाव डाला कि इतना कमीशन दो तुमको भुगतान होगा। काहे का पैसा, किस चीज का पैसा? वो उसने विकास का काम किया, वो अपना कमीशन खाना चाहते हैं भ्रष्टाचार का, वो पैसा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस मामले में ये सब लोग हनुमान सिंह को ब्लैकमेल भी कर रहे थे? ब्लैकमेल कर रहे थे और उनको पता चल गया तो वो क्या कह रहे थे कि 2-4, 10-20 लाख का काम और कर, फिर काम का और कर, फिर पेमेंट करेंगे, उसको पूरा तबाह और बर्बाद करने की मंशा थी। और न ये इसने कहा मैं कमीशन देने, आप इसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानते हैं क्या? इसके अंदर देखिए, मैं एडीएम और कलेक्टर को भी मुलजिम बनाऊंगा एबेटर के रूप में, क्योंकि इन्होंने पूर्व में जो परिवाद पेश किए हैं, ठेकेदार एसोसिएशन ने परिवाद पेश किया, एलिगेशन लगाए भ्रष्टाचार के, और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं 109 दफा IPC की ये कहती है कि कोई अभियुक्त को अगर सहयोग करता है या उसके अंदर एबेटमेंट करता है तो अपराध का दोषी है, कानून काम करेगा, नोबडी इज अबव लॉ। FIR के अंदर क्या क्या धाराएं हैं? FIR के अंदर जो पुलिस ने 306, 384, 409 और ये अपराध बनना पाया, सुसाइड नोट उसका खुद का लिखित है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सब बात छोड़िए,
हनुमान सिंह का 2 करोड़ रुपया तो घर से खर्च करके वहां उसका पैसा चढ़ा हुआ है एमएलबी में। मैं ठेकेदारी सिस्टम में नहीं समझता हूँ, ये अधिक से ज्यादा जानते हैं कि वो अपने घर से पैसा, वो पैसा क्यों नहीं दे रहा आप ला करके? तो कमीशन मांग रहे हैं ना, तो वो कमीशन किस बात का कमीशन? इस मामले में गवर्नमेंट लॉबी लोकल बॉडी का भी नाम आ रहा है, आपने कलेक्टर एसपी तक को शामिल कर दिया है, सिस्टम को शामिल कर दिया है, आप क्या जुडिशियल इंक्वायरी की भी इस मामले में मांग करेंगे? 100% जुडिशियल इंक्वायरी होगी तभी। बताइए, अगर कलेक्टर साफ सुथरे होते तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत उस अधिकारी को, पार्षद को, इसको आपके ब्रजेश राय को और चेयरमैन को म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत कलेक्टर सर्वे सर्वाए अंडर द एक्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी इनको निलंबित कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो उनके पक्ष का पक्षधर बन गया है और जो कमीशन की मांग है उनमें हिस्सा है, इसीलिए तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपके कहने मतलब कलेक्टर का भी हिस्सा है? हो सकता है, हमारा अंदेशा है। अच्छा, ये परसेप्शन है पब्लिक के अंदर। तो ये जो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला है, मेरी सहानुभूति है हनुमान सिंह जी के पूरे परिवार के साथ, और मैं उनको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि आपके साथ जो जुर्म हुआ है, हम निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता आपको न्याय दिलवाएंगे, और जो भी इसमें दोषी होगा, हमें किसी से दुराव नहीं है, हमारी किसी से नाराजगी नहीं, पर भ्रष्ट सिस्टम के चलते ये मौत हुई है, तो इस मौत के जो भी गुनाहगार है निश्चित रूप से उनको कानून के अनुरूप जो सजा मिलनी चाहिए उसको दिलाने में अपनी ओर से बरकस प्रयास करेंगे। मैं हमारे पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कोई भी काम आप मेरिट से देखें, अगर कोई भी नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है तो जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी के लिए भी हमें कहीं न कहीं ऐसे कठोर कदम उठाने पड़े, चाहे हमारा पदाधिकारी हो, चाहे हमारा अपना अच्छा कार्यकर्ता हो, भ्रष्टाचार करता है तो उसको किनारे करना होगा, वरना हम हनुमान सिंह जी जैसे अनेकों लोगों की मौत को आने वाले कल में और देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। मेरा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है, हम किसी व्यक्ति विशेष से बने हुए नहीं है, हम एक विचारधारा से बने हुए हैं जो देश का निर्माण करना चाहती है, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है, और ऐसे में यदि हमारा अपना कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसे कम से कम इस बात के लिए मजबूर करें कि वो भ्रष्टाचार नहीं करें, और पार्टी मेरे ख्याल ईमानदारी से जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की भी कदर करे। वो ये दुखद मौत कहीं न कहीं एक जो वाजिब मांगो है कोई कि नहीं, भीख मांगो नहीं मांगो, अगर नहीं मिली तो हमारे 12 दिन पहली मार पूरी पूरा परिवार 9 सदस्य नहीं रहेला, आ मैं लिख नहीं दे दूं मेरा आपने कि नहीं दिखे एड़ो में, तो आ मैं भगवान सिंह पुत्र हनुमान सिंह ये वादा करता हूँ कि अगर 12 दिन के अंदर अंदर 200 के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा परिवार इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बापड़ा नहीं कहलाना चाहता, मैं बेटा कहलाना चाहता हूँ। अगर इन दोषियों को सजा नहीं मिली तो ये बेटा क्या काम करेगा? मैं बापड़ा नहीं बनूंगा। मैं अगर मेरे परिवार को आप न्याय नहीं दिलाना चाहते तो रोटियां मती सेको मेरे पापा की लाश है। सही है, शांत हो, सहन कर लिया मैंने। सुबह कल के 4 बजे से एक धान का टुकड़ा नहीं खाया मैंने, और आप सतीश कोम का आभारी रहूंगा, उन्होंने एक आवाज से मेरे यहाँ इकट्ठे हो गए, मेरे समाज का मैं आभारी रहूंगा। लेकिन समाज बंधुओं आपसे निवेदन है कि मैं भी अभी 12 दिन से अधिक नहीं रहेगा मेरा परिवार, बस मैं ये अल्टीमेट कहता हूँ आपको कि मैं क्या बात करूँ कलेक्टर। अब कह रहे हैं हमने आज एमएलसी चर्चा की है, तुम्हारे घर में परिवार में रिश्तेदार नहीं है, शासन तंत्र के पास तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। शहर का माहौल अगर बनाए रखना है, जिले का माहौल अगर बनाए रखना है, मेरी बात सुन लीजिए तहसीलदार साहब, हमको तो ये कोई अधिकारी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम नेता नहीं है, हम तो कानून के छोटे से विद्यार्थी हैं, समझे आप मेरी बात को? लेकिन सर्व समाज और राजपुरोहित समाज अगर खड़ा हो गया तो धरती पे आपका ये तंत्र कहीं नजर ही नहीं आएगा। हमारी भी नफरी है, आपका जाप्ता 3,000 का है, राजपुरी समाज का जाप्ता है लाखों में। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं बात बता रहा हूँ, नहीं गिर रखा है ना हम सबको, चारों तरफ जाप्ता ही जाप्ता, कोई बात ही नहीं है। आप बुलाइए,
उच्च अधिकारियों को बुलाइए, बैठिए, वो हमारी पीड़ा सुने। अरे अरे जब देश गुलाम था वॉइस राय जनता की बात सुनने आता था, अब तो डेमोक्रेसी के 75 साल हो गए, वॉइस राय मत बनो। और वो सुसाइड नोट उसकी जेब से बरामद हुआ है और उसने लिखा है साहब कि मैं मर रहा हूँ और मेरी मौत की ये जिम्मेदार है, ये मेरा कारण है। जो एफएसएल है, जो एफएसएल है, जो इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट मंगाएगा, कोर्ट का काम है, जहाँ होगी हम भी वहाँ पे लड़ेंगे, हमारे और ये आप वहाँ पे लड़ना, मेरा निवेदन सुनो। लेकिन ये दो चीजें उसमें डिले करने की कोई स्थिति नहीं है। हमें तो ये ताजुब होता है कल शाम का 5 बजे का मामला आज 1:30 बजे कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई बयान हुई, ना कोई बात करने आप अब तक आए हो, मतलब ये क्या पोस्टमार्टम नहीं कराया? अरे साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, कारण साहब नहीं करवाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे पोस्टमार्टम जब तक आप कर लो। ठीक है, और दूसरी चीज दो तीन चीजें जो है ना, दूसरी चीज ये पेमेंट के भुगतान के अंदर अगले ने काम किया है उसकी एमबी भरी हुई है, उसके बिल पड़े सीधा जाके, तो तीन चीजें सुनो, मेरी बात सुनो, तीन चीजें मेरा निवेदन एडी साहब, ये आप हर बात में कह रहे हो जांच करेंगे, ये तो जांच करेंगे, तीन चीजें मेरा निवेदन तीन चीजें। एक तो गिरफ्तारी, नंबर दो इसका भुगतान ऑन द स्पॉट, और नंबर तीन अधिकारियों की और इनकी सबकी सस्पेंड की कार्रवाई तो फ्लेक्स भी कर सकते हैं, जिससे जांच अगर दोषी नहीं पाएंगे तो वापिस आ जाएंगे पदों पे। ये तीन चीजों में करने का विषय है, हमारी मांग है कर लो, नहीं तो हम उनके पदों पर रहते हुए निष्पक्ष जांच हो भी कैसे सकती है, ये बताइए। की बात पूरी होनी चाहिए, नहीं है पिछले 2 महीने से कई बार लिख लिख के दिए हैं। सरकारी नौकरी मारनी चाहिए, ये मारो भाई, अगर पुलिस ऑफिस में रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे परिवार कई कह रही हो, उल्लो एक बार कहना मारे बाप ने वो कोई छप्पन नहीं ठोकी तो उन्हें एपीओ करा दियो, उन वजह मार बाप आज नहीं है मार कने, उन्हें सस्पेंड कराओ। नंबर एक, मैं कोई नौकरी भीख में नहीं मांगू, नौकरी इन वास्ते मांगू मार भाई उठे नगर परिषद में रहला, जो कोई भ्रष्टाचारी वाला वो उन्हें खुलाप लड़ेला, इन वास्ते सरकारी नौकरी मांगू मैं, मार कोई नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। बाप दादा जमी है उनमा थी कमान खावा मत, मार पेट तो पाड़ो, इतना साल मैं ठेकेदारी करो, आ बात सही है, ठेकेदारी कोई मिले ऊँट रे मुंह में जीरो मिले, 10 लाख रो काम करो 1 लाख दे, लेबर रो फोन आवे सा आपरे पेमेंट आयो मन दो को नहीं, उठ फाइनेंस वाला रो फोन आवे सा आपरे पेमेंट आयो किस्त करो को नहीं, और ने माल वाला फोन था आप किस, अरे भाई 10 लाख दियो है तो 10 लाख रुपए 2 लाख बोले दो, अरसा बोले दो, खाता में आ गया आप खाता में आ गया, अरे तो भाई साहब ऐसा उन्होंने सस्पेंड कराओ, सरकारी नौकरी मारा कोई नहीं चाहिए, मारा इन वास्ते सरकारी नौकरी सही चाहिए उन विभाग में, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी आवे तो मार भाई उन्हें खिलाफ लड़ी ला, ठीक है सर। और जितने मार भाई देखो ठेकेदार भाई है उन्होंने जो कोई पेमेंट आवे उन्होंने अनुपात में डिवाइड करो, इन्होंने जो ज्यादा कमीशन दे उन्हें पहले करा दे, आवाज तो गलत है, ठीक है सर। दी बात मैं अब अकाल ले हूँ, भूख हड़ताल में हूँ, ठीक है सर, मन मनोते है, मैं तो जिन दिन पप्पा ने लेना है उन्हीं ने डिसाइड कर दी थी कि भाई मन दो परिवार उन दो जनों ने हम जानो है, क्योंकि न्याय तो कोई भी को नहीं परिवार बिल्कुल।